Welcome to the St. Thomas High School online classes, standard 3rd, subject Hindi. बच्चों, आज हम हमारे इस वीडियो में ए और आई की मात्रा का रिवीजन करेंगे, यानी कि उसका अभ्यास करेंगे. आज हमें उसकी एक्सरसाइज करनी है. ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम करते हैं. तो बच्चों, ये फर्स्ट वन एक्सरसाइज ऐसी है कि एक जैसे अक्षर पर गोल लगाओ, एक जैसे लेटर पर गोल लगाना है. बच्चों, यहाँ पे जो लेटर दिया गया है इसके जैसे इस लाइन में कहाँ पे लेटर है उस पे ऊपर गोल लगाना है. तो बच्चों, आपको पता होगा कि ये क्या है, ये ए है, हिंदी का ए. तो इस लाइन में कहाँ पे ए है, यहाँ पे, राइट. तो हम यहाँ पे सर्कल लगाएंगे. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, आई, आई. तो बच्चों, इस लाइन में आई कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट. तो बच्चों, जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाए तब आपको उसमें ये करना है. ठीक है बच्चों, टेक्स्ट बुक आ जाएगी, बाद में मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगी, पूरा 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 का पूरा टाइम दूंगी. अब आपकी टेक्स्ट बुक 2-3 दिन में आ ही जाएगी. ठीक है बच्चों, तो चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. चित्र का नाम बोलो और उनका पहला अक्षर लिखो. चित्र का नाम बोलना है और उनका पहला अक्षर लिखना है. तो बच्चों, ये कौन सा चित्र है, ऐनक. ऐनक कैसे लिखा जाएगा, ऐसे. ठीक है, ये क्या लिखा है, एक. एक का ए कैसे होगा, ऐसे. ये किसका चित्र है बच्चों, कि कोई बच्चा कुछ बोल रहा है यानी कि ऐलान कर रहा है, तो इसे कहते हैं ऐलान. तो ऐलान का चित्र कैसे आएगा, ऐसे. सॉरी, ऐलान का ए कैसे आएगा, ऐसे. ठीक है बच्चों, हाँ. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, 3rd. अक्षर पहचानो और चित्र सही चित्र से मिलाओ, मैच करवानो छे. मैच, यहाँ पे हमें मैच करना है, जो ये ए और ऐलान जो भी दिया गया है उससे, ए और ऐ से हमें मैच करना है. तो बच्चों, ये फर्स्ट वन पिक्चर कौन सा है, ये क्या है, हमारे पैर की एडी. तो एडी कहाँ से, ए से शुरू होगी, इसलिए इसे इसके साथ जॉइंट करेंगे, ए. फिर ये कौन सा चित्र है, ऐनक. तो ऐनक को हम ए के साथ जॉइंट करेंगे. फिर ये कौन सा चित्र है, ऐलान. तो ऐलान के साथ हम इसे जॉइंट करेंगे. ये क्या लिखा है, एक. तो एक का ए कहाँ पे है, यहाँ पे. ठीक है बच्चों, हाँ. तो ऐसे हमें मैच करना है. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट पीरियड में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास करेंगे. ओके, और जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाए तब आपको ये सब टेक्स्ट बुक में लिखना है. ठीक है बच्चों, बाय बाय.